बेटा सल्फर की दो वैरायटी हैं, वन इज रोम्बिक वन इज मोनोक्लिनिक। और मेन पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था, उसे दोबारा बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन टेम्परेचर याद रखिए बस, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 केल्विन है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, या 369 केल्विन है, 96 का उल्टा 369 केल्विन है, ये याद रखना है। और 369 के बिलो ये स्टेबल है, 369 के अबव ये स्टेबल है। इसे पहले वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, ठीक है। चार डिफरेंस और हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ व्हाट आर द फोर डिफरेंस, लेकिन ना कभी पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है रोम्बिक इज येलो इन कलर वाइल मोनोक्लिनिक हैज कलरलेस निडल शेप क्रिस्टल। तो ये येलो इन कलर है और ये कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल है, तो ये एक अंतर है। सेकेंड, रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट 385.8 है, मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट 393 है। कोई जरूरत नहीं याद करने की, मेल्टिंग पॉइंट अभी आप लिख भी लोगे, याद हो भी जाएगा, लेकिन जब एग्जाम तक आएंगे ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बहुत कम है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, आप इतना कर सकते हो दिमाग में, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वैल्यू मत याद करो किसका ज्यादा है। तो मोनोक्लिनिक हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन रोम्बिक, मेल्टिंग पॉइंट मोनोक्लिनिक का थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट, रोम्बिक में है, इट्स क्रिस्टल आर फॉर्म बाय डिजोल्विंग सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट ले लिया, उसमें डिजोल्व करके इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, डिजोल्व करके कूल करके क्रिस्टल बनाए जाते हैं, ठीक है। जबकि मोनोक्लिनिक वाला कैसे बनाते हैं, मोनोक्लिनिक तो आपको दिख ही रहा है कैसे बनाते हैं, ये रोम्बिक लेंगे, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, हीट करेंगे, इसे मेल्ट करेंगे, इस टेम्परेचर पे आने के बाद ये अपने आप क्लाइमेट चेंज हो जाएगा मोनोक्लिनिक में। तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो चुका है, और अब इसके अगला पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए। इट इज फॉर्म बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश, एक डिश में मेल्ट किया, इस चीज को मेल्ट कर दिया, एंड कूलिंग टिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड, एंड ये डिश ले ली, इसमें रोम्बिक सल्फर रखा, पिघला दिया, पिघलाने के बाद इसे जब कूल करेंगे बेटा, तो कूल करने पे ऊपर एक क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है, ऊपर एक जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, एक हार्ड लेयर आएगी, मलाई तो एक सॉफ्ट लेयर हुई, एक हार्ड क्रस्ट बन जाएगी। और उस क्रस्ट में हम दो होल कर लेते हैं, उस क्रस्ट में क्या कर दिए, होल। क्यों होल किए, कि अभी भी अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड रह गया होगा, जो लिक्विड रह गया उसे पोर आउट कर दो, हटा दो लिक्विड, हटा दो। और अब जब क्रस्ट तोड़ेंगे तो अंदर कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल मिल जाएंगे, और वो कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल ही काहे के होंगे, मोनोक्लिनिक के होंगे, ठीक है। तो जो ऐसा जनरल होता है एक्सपेरिमेंट अगर आप करना है वो मिलेगा, तो देख भी लोगे क्या करना है, रोम्बिक सल्फर दिस वन, ये जो नेचर में मिलता है लैब में जो आपको मिलेगा वो रोम्बिक होगा, आपको हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट भी नहीं करना, मेल्टिंग पॉइंट 385 मान के चलो, नियरली 110-112 डिग्री है, मतलब पानी जहां बॉयल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक हीट करना है। हीट करने के बाद वो पिघल गया, पिघलने के बाद कूल डाउन कर दीजिए, और जब ये कूल डाउन होगा तो ऊपर से क्रस्ट बन गई, क्रस्ट से सारा का सारा जो मोल्टन फॉर्म में है क्रस्ट के नीचे वो हटा दो, मोल्टन हटते ही जो निडलेस लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे वो किसके दिखेंगे आपको, मोनोक्लिनिक, बोलो क्लियर है। तो फॉर्मेशन हो गया दिस वन, इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट लिख लीजिए कॉपी में, जो ध्यान रखना है वैसे कल बताया था, लिखें बेटा, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव बोथ मोनो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे आएगा, S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दीज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव, दीज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल एसेट के हैं, जब ये पैक्ड होंगे तो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएंगे, आया समझ में क्या कह रहे हैं, नहीं आया ना, कई लोगों ने खाली लिख लिया होगा दीज मॉलिक्यूल आर पैक्ड टू ए डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेटा इसका मतलब क्या है,
रोम्बिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90, याद आया? सॉलिड स्टेट में रोम्बिक क्रिस्टल क्या था, ऐसे मोनोक्लिनिक क्या था? तो ये S8, ये पूरा एक यूनिट एक साथ है, तो ये S8 का अरेंजमेंट देखेंगे ना, पहला S8, दूसरा S8, तीसरा S8, तो दो S8 के बीच की दूरी A हो गई, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा B इक्वल टू B इक्वल टू गामा भी है, बस 90 नहीं है, तो वो रोम्बिक हो गया। और मोनोक्लिनिक में क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, दो एंगल 90 होंगे और एक एंगल 90 नहीं होगा, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, मतलब दोनों में S8 ही है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर यानी जो अरेंजमेंट है, पैकिंग है, वो अलग अलग। अब आ गया, और ये जो S8 है दोनों में ही ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसे पुकर्ड रिंग या डबल डब्लू जैसे चाहे कह लीजिए, ये पुकर्ड रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लैटिस पॉइंट पे पूरा का पूरा S8 मौजूद है। ठीक है, लिख लीजिए, द S8 रिंग इन बोथ द फॉर्म्स, द S8 8 ring in both the form is Puckard, S8 ring in both the form is Puckered, Puckered or crown structure, or crown structure, Puckard ring इसे कहते हैं या crown structure कहते हैं, पुकर्ड रिंग और क्राउन स्ट्रक्चर दोनों में। ठीक है, इसके अलावा भी सल्फर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा सल्फर S6 से लेके S50 तक कुछ भी S आ सकते हैं। सल्फर के इतने एटम क्यों बेटा एक साथ जुड़ सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसमें कैटिनेशन ज्यादा है। बेटा कैटिनेशन क्यों ज्यादा है सल्फर में, कैटिनेशन का रीजन क्या है? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी गुड। सल्फर सल्फर की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है और कैटिनेशन बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन नेचर में कार्बन में है और कार्बन के बाद फास्फोरस और सल्फर में है। तो सल्फर हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, देयरफॉर इट हैज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। लिख लीजिए अगला पॉइंट, सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 से लेके 20 तक, 6 टू 20 सल्फर एटम कंटेनिंग 6 टू 20 सल्फर एटम, सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 टू 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड। Several other modification of sulfur containing 6 से लेके 20 atom have been synthesized. ये बहुत सारे बनाए जा चुके हैं artificially man-made. एक important है S6. ठीक है, क्यों important है? क्योंकि S6 का NCERT में एक structure दे रखा है ऐसा, ठीक है, और इस structure को कहते हैं chair form. यहाँ हर जगह sulfur लगे हैं, तो ये S6 की chair form है। लिख लीजिए, in cyclo S6, the ring adopts the chair form. ये NCERT में दे रखा, तो याद रखना। एक पॉइंट और एनसीईआरटी में जो दो बारी तीन बारी हो चुका है, फिर एक बारी हो रहा है, कि अगर सल्फर को एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी सल्फर हमने लिया और 1000 केल्विन तक हीट कर दिया, यानी एक हाई टेम्परेचर पे ले गए, तो क्या होगा? आई होप सो याद आ गया हो, क्योंकि हमने पहले भी एक बारी लिख लिया है। सल्फर हाई टेम्परेचर में S2 में टूट जाता है, और ये S2 पैरामैग्नेटिक है, जस्ट लाइक O2। O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है? O2 में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, प्रूफ किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ऐसे ही S2 में भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां है? एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, 11th में जो हमने पढ़ा है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, या ऐसे करके शो करते थे ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो ये याद रखना है, पाई स्टार में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, पॉइंट क्या आ गया,
क्या पॉइंट बना एट एलिवेटेड टेम्परेचर. अरे बाद में लिखना, पहले सोच लो, सुन लो, समझ लो, तब लिखना. क्या पॉइंट बना अपने आप याद करके लिखो, क्या बना एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर एग्जिस्ट एज S2 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल एज O2, जैसे O2 में होता है. लिखिए जल्दी से. At elevated temperature, nearly 1000 Kelvin, S2 is the dominant species. At elevated temperature, nearly 1000 Kelvin, S2 is the dominant species. S2 dominant rahega. S2 is the dominant species. And it is paramagnetic like O2. ये dominant है और ये बेटा paramagnetic है, जैसे O2 है paramagnetic. And it is paramagnetic like O2 having unpaired electron in pi star orbital. Pi star का मतलब anti bonding होता है, इतना समझते हो. Having unpaired electron in pi star orbital. Having unpaired electron in pi star. बोलो क्लियर है? ये लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा याद रखिएगा. दो पॉइंट हम कहते हैं सल्फर में बहुत आते हैं, एक उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा जाता है और एक ये पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो अगला पॉइंट आप अपने आप भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन समझ में आ गया. अगला पॉइंट क्या है बेटा? ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में. चाहे एक शॉर्ट हेडिंग करके लिख लो या पॉइंट करके लिखते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर. ठीक है, At 369 Kelvin, ठीक है, 369 Kelvin पे सल्फर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर रिमेन एट इक्विलिब्रियम. एट 369 Kelvin सल्फर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के नीचे. बिलो दिस टेम्परेचर डायमंड इज मोर स्टेबल एंड अबव दिस टेम्परेचर ठीक है बच्चों, गुड. कॉमन सेंस है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक लिखना चाहिए. अगर डायमंड और ग्रेफाइट लिखा मिला तो आपको चपत की आवाज से आवाज आ जाएगी कि गलत लिखा था. ठीक है, क्यों भैया डायमंड ग्रेफाइट पढ़ रहे हो? हाँ डेफिनेट है, जो लिखा है बोर्ड पे वैसे ही है कि पहले रोम्बिक आएगा फिर मोनोक्लिनिक आएगा. लेफ्ट में रोम्बिक है तो 369 से नीचे रोम्बिक ज्यादा स्टेबल है और 369 के ऊपर मोनोक्लिनिक. डायमंड है ना? अच्छा उल्टा लिखा है तुमने. हाँ अब यही तो बेटा ऑफलाइन का फायदा है, आमने सामने बैठे होगे, आपने कुछ लिखा होगा तो हम एक थोड़ा सा चेक करके आपको जता सकते हैं कि आपको कितना आया है. ठीक है, कई बच्चे डायमंड और ग्रेफाइट लिख रहे हैं, अच्छा वो सोच भी नहीं रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो लिख रहे हैं, बोले हाँ ठीक है डायमंड, हाँ ग्रेफाइट, हाँ ये भी ठीक है, दोनों ठीक है. कोयले हो, कोयले हीरा बनने की सोचो तब भी नहीं बन पाओगे. ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया ये क्या है पॉइंट. ठीक है, तो और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर. चाहे आप क्यूरी कह लो चाहे क्राफ्ट कह लो, एक ही बात होता है ना. दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर या क्राफ्ट टेम्परेचर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो एक दो बच्चों के समझ में आ गया, इतनी देर से ट्रांजिशन टेम्परेचर चिल्ला रहे थे तो इसे ट्रांजिशन ही कहते हैं.
क्यूरी या क्राफ्ट नहीं कहते, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं बार बार कहां उतर के मारता पीटता रहूं, आप अपने आप देख लीजिएगा, अगर आपने गलत लिखा हो तो अगली बार से थोड़ा सतर्क रहिए कि हम पढ़ने आए हैं तो इन्वॉल्व होके पढ़े, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट इज इनफ इन सल्फर, सल्फर में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगली हेडिंग का नाम लिखें जल्दी से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल अमोनिया की तरह अगर सोचोगे जल्दी समझ में आ जाएगा, वो भी जाएगा, रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। क्या याद है अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे कैसे पढ़ी थी आपने? हाँ, तो अमोनिया की प्रिपरेशन, कोई बात नहीं दोबारा भी करेंगे, अमोनिया की प्रिपरेशन हमने ऐसे पढ़ी थी कि अमोनिया का सॉल्ट ले लो NH4Cl, तो अमोनिया का सॉल्ट है NH4Cl, कॉमन सेंस लगाना, NH4Cl में हमने NaOH डाल दिया, तो जैसे ही NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, अमोनिया वीक बेस है उसे वहां से हटना पड़ेगा, तो NaCl बन जाएगा और NH4OH बन जाएगा, और NH4 के क्या दे देगा, अमोनिया। कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया बेटा, धीरे धीरे बताता हूं तब आएगा। ये NH3 है बेटा, बेसिकली NH3 एक वीक बेस होता है, और ये अगर HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करे तो ये NH4Cl ये सॉल्ट कहलाता है, और ये सॉल्ट किस किस का है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है। अगर यहां स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो इस सॉल्ट में तो वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, वीक बेस को चलता, ठीक है, क्योंकि हमेशा रिएक्शन कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग, नहीं तो स्ट्रॉन्ग किस बात का है, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब तो समझ में आए। तो ये NaCl बन गया और NH4OH अलग हो गया, और बेटा NH4OH अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है अमोनिया और वाटर, तो ये अमोनिया की प्रिपरेशन हो गई। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या था? अब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो अगला रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने लिखा है Na2SO3। Na2SO3 क्या है, अगर आपको समझ में आया, बिल्कुल यही भाषा सोचनी, वेरी गुड, ये है NaOH एंड H2SO3, और ये H2SO3 क्या है, SO2 प्लस वाटर। जब SO2 को पानी में घोलते हैं, जैसे अमोनिया को पानी में घोलते हैं NH4OH बनता है, ऐसे ही SO2 और वाटर क्या बन जाते हैं, H2SO3। तो ये सल्फ्यूरस एसिड है जो कि एक वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा ये सॉल्ट किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। अब हमें यहां से किसे चलता करना है, किसे हटाना है, हम SO2 बनाना चाहते हैं तो हमें ये SO2 यहां से निकालना, ठीक है। तो अब रिएक्शन किससे कराएं, वेरी गुड, हम स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड। और अब बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, जैसे हमने जानबूझ के सल्फ्यूरिक ले लिया, आप HCl भी ले सकते थे, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों, क्योंकि ये कंसेप्चुअल रिएक्शन है। कोई बच्चा NCERT देख के लड़ेगा नहीं कि अरे बुक में तो HCl लिखा है, HNO3 लिखा है, बस रिएक्शन हो सकती हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए। तो यहां ये रिएक्शन हो गई, तो ये क्या बन गया, Na2SO4 प्लस SO2 एंड वाटर। तो इस रिएक्शन में ये बन गया बच्चों Na2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, बाकी बैलेंसिंग तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। फिलहाल पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, आप पहले कंसेप्ट समझो, बाकी रिएक्शन तो बुक से देख के हम लिख ही लेंगे। कंसेप्ट समझ में आया क्या है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं, SO2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमन सेंस है, पहला मेथड अगर हम लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे S+O2SO2, तो ये तो एकदम सरल मेथड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सल्फर का कंबशन करें SO2 बनेगा ही बनेगा, तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हमारा ये हो गया, क्या हो गया दूसरा मेथड, अगर हम सल्फाइट ले लें, इसे क्या पढ़ते हैं, सल्फाइट, ITE, तो अगर हम कोई सल्फाइट ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही नाम लिखें, हम इसको बच्चों सिर्फ ये भी लिख के काम चला सकते हैं, ये हो गया सल्फाइट, और इस सल्फाइट की H-ion से रिएक्शन कर दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H-ion, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, मतलब हम खाली क्या चीज लिख रहे हैं, आयनिक फॉर्म। चक्कर क्या, ये सल्फेट और ये सल्फेट कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, ये Na और ये Na दोनों तरफ कैंसिल, क्योंकि ये कॉमन आयन है। तो इस रिएक्शन को शॉर्ट में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इन दोनों ने रिएक्शन की है और प्रोडक्ट में आपको SO2 और वाटर दिख गया है, इज इट क्लियर। लेकिन अब ये चीज ज्यादा क्लियर नहीं होती तो हम पूरा ही लिखते हैं, दो मेथड क्लियर है, पहले दो मेथड लिखते हैं, और एक जो आपने 11th में पढ़ा है और बैलेंसिंग में बहुत पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड में, वो है
आयरन का सल्फाइड लें और उसका कंबशन कर दें। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल अप्रोच है SO2 गैस बनाने की। तो ये Fe2O3 बनता है और SO2 गैस निकलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसकी बैलेंसिंग याद कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन को 11 का शगुन चढ़ाते हैं हम, 11 रुपए देते हैं, मतलब बैलेंसिंग में 11 है, तो इसको 11 मानते हुए सब बैलेंस कर देना। ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया तो ये 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 हो गया, आई होप सो बैलेंस होगी। ठीक है, नहीं हो रही ना, 8 दूनी 16 और 6 22 बैलेंस। क्लियर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखें तो हेडिंग होगी SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड, पहली हेडिंग। बेटा हर चीज में पहले क्या आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहले हेडिंग लिखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बच्चों मैंने पढ़ा दिए हैं, मैं चाहूंगा बोर्ड पे रिएक्शन लिखनी है, लेकिन आप बोर्ड से ना देखें, सोच के लिखें। ठीक है, पहली रिएक्शन मैं बोल रहा हूं, पहली रिएक्शन है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर, बाय बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर के कंबशन से। तो पहली रिएक्शन हो गई बाय बर्निंग ऑफ सल्फर। रिएक्शन तो आप खुद लिख ही दोगे, ठीक है, बोल दूं, सल्फर यानी एस, इच्छा आपकी एस एट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट एस एट में करता है, लेकिन जनरल एस सही है, एस प्लस ओ टू गिविंग यू एसओ टू, इसमें और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन बच्चों, सेकेंड रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भैया दिख रहा है, अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, यहाँ और यहाँ नहीं लिखूंगा जहां लाइट पड़ रही है। फिलहाल ये वाली रिएक्शन तो आपको शायद दिख ही रही है। ठीक है, ओके, मैं निशान लगा देता हूँ, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे बाय रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लिखे बेटा, ये रिएक्शन है Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइट। आइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सल्फ्यूरस एसिड का सॉल्ट है। H2SO4 से रिएक्शन करिए और ये बनेगा बेटा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, सोडियम सल्फाइट की रिएक्शन करी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से। हमने H2SO4 लिया है, आपकी इच्छा तो HCl लें, तब भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस से स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, वो अपना सॉल्ट बनाएगा, H2SO3 को अलग करेगा, वो टूट जाएगा SO2 और वाटर। ठीक है, अब ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, हम लैब में करते हैं। ठीक है, ये लैब मेथड है। तीसरी है इंडस्ट्रियल मेथड, कोशिश करिए खुद लिखें, जो 11th में बैलेंसिंग में बहुत पूछी जाती है। थर्ड इज इंडस्ट्रियल मेथड। डन, गुड। तो ये था ट्वाइस Fe2SO7O2 गिविंग यू Fe2O3 ट्वाइस प्लस 4 SO2। ठीक है, वट एवर द बैलेंसिंग, एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, 4 है 8 है क्या है, अरे यार तो यहाँ 4 था, सॉरी यहाँ 8 था, सॉरी। ठीक है, बैलेंसिंग से कर लीजिए। ठीक, तो ये आगे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक बच्चों, अगर आपको याद हो अमोनिया की स्पेल कैसी थी, पंजेंट थी, ये भी पंजेंट होती है, ये सफोगेटिंग भी कह सकते हो, या इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर जलाया जाता है उस समय जो स्मेल आती है वही है। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बेटा ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, कैसा ऑक्साइड है, कॉमन सेंस है। बेटा कैसे प्रूफ करेंगे ये एसिडिक ऑक्साइड है, थोड़ा ध्यान से, वाटर मिलाएंगे तो H2SO3 बनेगा, वो भी एसिड है। H2SO4 तो सल्फ्यूरिक होता है, ये सल्फ्यूरस बनाता है, लिख लीजिए।
इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। बच्चों ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? कॉमन सेंस है। नहीं बेटा, एसिड वीक होने से सॉलिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, घुलता है तभी तो H2SO3 बनता है। अगर पानी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा होता तो H2SO3 नहीं बनता, ठीक है। तो इट इज अ वीक, सॉरी इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर गिविंग सल्फ्यूरस एसिड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब बच्चों सल्फ्यूरस एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, उसे ठीक से समझिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर, सल्फ्यूरस एसिड सॉरी H2SO3 में SO2 गैस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर। बच्चों सल्फर का मिनिमम कितना होता है? माइनस टू, और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? प्लस सिक्स। तो यहां पे जो पॉइंट है वो ये, सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसका रिडक्शन भी हो सकता है, प्लस फोर से माइनस टू तक जाना रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, SO2 दोनों एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है और इट कैन एक्ट एज बोथ द एजेंट रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग। अब आपको बस ये ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करते समय कि हमें यहाँ इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करना है या ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपके दिमाग में आ ही गया है, ठीक है, ओके। इट एक्ट एज बोथ द एजेंट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन बेटा मेन कौन सा एजेंट है? मेन ज्यादातर ये किसकी तरह काम करेगा? तो आपको मालूम होगा कि SO2 आसानी से SO3 में जाता है, और क्योंकि यह आसानी से SO3 में जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इट मेनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक और रीजन है रिड्यूसिंग एजेंट होने का, इसका एक और रीजन क्या है बेटा? SO2 जब वाटर से इंटरेक्ट करता है और ये जो H2SO3 बनता है ये इजिली नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ सकता है, यानी यहां पे इस रिएक्शन में देखा गया है जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं तो मॉइस्चर आने के बाद H निकलने लगते हैं इससे, इससे क्या निकल रहे हैं? H। और बेटा H का निकलना क्या होता है? वेरी गुड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और ये H दूसरों से जुड़ के उनका क्या करा देंगे? रिडक्शन। इसीलिए SO2 कौन सा एजेंट है? मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ड्राई SO2 रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है बेटा? ड्राई SO2, समझ में आया? क्योंकि यहां ये वाटर मिलेगा तब ये H लूज होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही मेनली रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा बेटा, तो कॉमन सेंस है इसका अपोजिट पार्टनर कौन है तभी तो होगा। मतलब अगर मैंने ये आपसे कहा SO2 की रिएक्शन ध्यान से समझना MnO4- से कर दो, तो भैया MnO4- इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन, डी ब्लॉक पढ़ चुके हो, Mn का प्लस सेवन से ज्यादा होता भी नहीं है, ये मैक्सिमम है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होना ही होना है, रिडक्शन होना ही होना है, और जब ये रिडक्शन करेगा अपने पास से ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये अपने पास से ऑक्सीजन छोड़ेगा, वो ऑक्सीजन इसे क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज। तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो गया, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, मीडियम एसिडिक होगा। तो अब अगर कोई कहे कि यार वाटर है या नहीं है तो ऐसे में वाटर की क्या जरूरत? क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसने इसे ऑक्सीडाइज कर लिया तो ये खुद को क्या कर चुका है? रिड्यूस। क्लियर है? फिलहाल SO2 में दोनों एजेंट हो सकते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। जब भी रिएक्शन में SO2 बाद में SO3 में जा रहा होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और बाई चांस SO2 सल्फर में जा रहा है या H माइनस टू में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग। बोलो दोनों वर्ड क्लियर है? पॉइंट लिख लिया आपने, SO2 may act as both the agent reducing as well as oxidizing, but it mainly acts as
रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब हम दो रिएक्शन लिख लेंगे कहां कहां ये रिड्यूसिंग एजेंट है और कैसे। और बेटा एक पॉइंट पहले ही बता देता हूं, ठीक है, आपने 11th में पढ़ रखा है, आपको याद भी आ गया होगा। देखिए क्या बच्चों, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर समझे होगे ना, CaOH2 लाइम वाटर, याद आया। और इसमें हमने पास कर दी एक गैस, कोई ए नाम की गैस पास की लाइम वाटर में। जैसे वो लाइम वाटर में गैस आया, लाइम वाटर मिल्की हो गया, और फिर हमने एक्सेस में वही गैस पास की तो वो मिल्कनेस डिसअपीयर हो गई। ये गैस कौन सी थी? वेरी गुड, याद आया, 11th में पढ़ा है। अब ध्यान करिएगा, ये CO2 हो सकती है और SO2 भी हो सकती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है और SO2 भी मिल्की करता है। CO2 भी एक्सेस में पास करने पे मिल्कनेस हट जाती है और SO2 को भी पास करने पे मिल्कनेस हट जाती है। बट द डिफरेंस इज दिस कि ये जो CO2 है इसमें कार्बन +4 में है और SO2 में सल्फर +4 में है। तो डिफरेंस कहां आया, डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि कार्बन का मैक्सिमम ही +4 होता है, कार्बन +4 से ऊपर जा ही नहीं सकता। यानी KMnO4 और CO2 को रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, KMnO4 और SO2 को रिएक्ट कराओगे तो हो जाएगी, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसे तो नहीं कर सकता। यानी KMnO4 जब भी रिएक्ट करता है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर पर्पल कलर जैसे अगर है तो वो कलर चेंज हो जाएगा। तो KMnO4 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो पिंक और पर्पल कलर जो था उसका, पिंक कलर वैसे मेनली कहते हैं, वो डीकलराइज हो जाता है, उड़ जाता है इसके साथ, लेकिन इसके साथ उसका कलर चेंज नहीं। बोलो क्लियर है? तो जरा ध्यान रखना है, कई रिएक्शन CO2 और SO2 की एक जैसी हो सकती है लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी? दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है? चलिए फिर से देख लीजिए एक बारी, क्या चीज नहीं समझ में आई पूछो पहले। रिड्यूसिंग एजेंट वाला पॉइंट फिर भी रिपीट करो साथ साथ में, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं बताओ, थोड़ा जोर से बोलो, जो दूसरों को रिड्यूस, वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, तो मतलब खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। कार्बन +4 से ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये +4, अच्छा क्यों नहीं जा सकता +4 से ऊपर, तो ये 11th स्टैंडर्ड का पॉइंट है, कार्बन के पास है ही 4 इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड बनाएगा 4 ही छोड़ सकता है, उससे ज्यादा कहां छोड़े, ठीक है। तो मैक्सिमम कार्बन के 4 दूर जा सकते थे, तो +4 कार्बन में हो सकता है मैक्सिमम। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी 4 ही गए हैं दूर, 2 और जाने की कैपेसिटी है, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, कार्बन नहीं होगा, इसलिए ये है। अब क्लियर है सबको? हाँ भैया, ऑनलाइन वाले बट नॉट टू टाइप करना भूल गए तुम लोग? अरे ऑनलाइन वाले अब कह रहे हैं हम से इसका ना फोकस ही हट गया, अब हम टेंशन ना लें, हम टाइप भी नहीं करेंगे, हम तो सो ही जाएंगे सीधा। हाँ, दो जगह हुए हैं, ठीक है, अब इनकी टेंशन ही खत्म। बोले पहले अटेंडेंस लगानी होती थी, अब कुछ नहीं कर रहे, 1-2 भी नहीं टाइप करने होते यार। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया आप लोगों ने, अब हम रिएक्शन शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ना। तो बेटा पहली रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर बेसिकली कह रहे हैं चूने का पानी होता है, और ये तुम लगाना अच्छी तरह जानते हो, है ना, चूना लगाने में तो माहिर हो ही हो, ठीक है। तो रिएक्शन विद लाइम वाटर, अब पहले चाहे तो लाइन लिख लीजिए, चाहे रिएक्शन लिख लीजिएगा। लाइन क्या है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एक्सेस ऑफ SO2 विद यूज ऑफ एक्सेस ऑफ SO2 मिल्कनेस डिसअपीयर्स। It turns lime water milky and excess of SO2 milkness disappears. With excess of SO2 milkness disappears. ये lime water को milky करेगा और excess में milkness disappears. Reaction क्या होगी? बेटा reaction क्या होगी? बिल्कुल वही है जो पहले थी, बिल्कुल वही है। कार्बन डाइऑक्साइड की याद है? कार्बन डाइऑक्साइड की याद है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट।
और कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई थी तो बाइकार्बोनेट। ऐसे ही यहां पे मैं लिख भी देता हूं साथ में ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2 गैस विल गिव यू कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। और जो भी अलग हो रहा है वाटर वाटर वो अलग कर लीजिएगा भैया आप अपने आप। और कैल्शियम सल्फाइड प्लस फिर से SO2 और वाटर, तो एक्सेस हो गया, तो ये हो गया कैल्शियम बाइसल्फाइड, या इसी को पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम बाइसल्फाइड या कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। एंड आई होप सो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत एक आध वन टू जो लगाना लगा लो, शायद बैलेंस ही है, ठीक है, ठीक है बेटा। अपने आप एक रिएक्शन लिख लीजिए, समझ तो आई गई है, रिएक्शन विद NaOH। कई बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो तुमने पढ़ाया ही नहीं, रिएक्शन विद NaOH। हाँ भैया रिएक्शन विद NaOH में कहा आएगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, सेम यही है भैया NaOH, सेम यही है, बस कैल्शियम की जगह, वेरी गुड, सोडियम बोलना था आपको, बिल्कुल सही है, बस वैलेंसी थोड़ी सी चेंज होगी, इसलिए बैलेंसिंग बदल लेना, बाकी और कुछ नहीं लेना देना है। ये आएगा, ये कैल्शियम की जगह सोडियम लिखेंगे और ये ऐसे आ जाएगा, twice NaOH plus SO2 giving you Na2SO3 plus water, फिर Na2SO3 plus SO2 plus water giving you twice, अरे हाँ ये वैलेंसी सही कर दूं, सॉरी इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि twice NaHSO3, इसकी तो वैलेंसी 1 है ना, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते कितने बच्चों और ये आती है, रिएक्शन विद H2S, ये देखे किसे याद आती है, बहुत कम को याद आती है ये इक्वेशन, और ये आपकी पढ़ी हुई है, मतलब रिएक्शन विद H2S आप पढ़ चुके हो, लेकिन वही है ना कि कितनी चीजें आप याद रखेंगे बड़ी बात है, फिर भी चेक करते हैं कौन बच्चा सुना पाएगा बता पाएगा रिएक्शन विद H2S। नहीं और कोई बच्चा बताना चाहेगा, चलिए ठीक है, अभी तक तो फिलहाल किसी ने नहीं बताया, ये हमने आपको पढ़ाई है रिएक्शन, चैप्टर का नाम मैं बता देता हूं, गलत है बेटा, मैंने ये चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाई, सरफेस केमिस्ट्री के तीन पार्ट थे, एडसॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कोलोइड, कोलोइड में पढ़ाई, और वहां से भी कहा था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार आई है और एग्जाम तक याद नहीं रहती, अभी भी नहीं बता पा रहे, ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड में, यार अब तो बता दो कुछ भी नहीं बताओगे, ये भैया कोलाइडल सल्फर बनाने का तरीका था, H2S और SO2 जब रिएक्ट करते हैं तो बाई ऑक्सीडेशन मेथड सल्फर या सल्फर वाटर बनता है, ये सल्फर का सॉल या कोलाइडल सल्फर कहलाता है, और यहाँ 3S बनते हैं, और 3S बनने की वजह से शायद यहाँ और यहाँ 2 है, एक बारी बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सल्फर था, प्लीज ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा, कोलाइडल सल्फर, ठीक है। SO2 की एक रिएक्शन खाली और लिखाएंगे क्लोरीन से, ठीक है, आज एक और बस मैं कह रहा हूं, लिख लीजिए रिएक्शन विद क्लोरीन, बेटा SO2 की जब क्लोरीन से करते हैं तो ये बन जाता है SO2Cl2, SO2Cl2, बेटा बेटा अंशी हमने कहां पढ़ा SO2Cl2, ठीक है, वहां जो पढ़ा है ना वो SOCl2 पढ़ा है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, डार्जन मेथड में,
ये इनऑर्गेनिक में कहीं पड़ा है, अब याद आया। आप बोलो बेटा नेक्स्ट, नहीं याद आया। हमने कुछ दिनों पहले अभी PCl3 और PCl5 पढ़े थे, PCl3 में पढ़ा था व्हाइट फॉस्फोरस इज रिएक्टेड विद SOCl2, PCl3 बनाना हो और PCl5 बनाना हो तो व्हाइट फॉस्फोरस इज रिएक्टेड विद SO2Cl2, और वहां कहा था जिसमें एटम ज्यादा उसमें बड़ा वाला क्लोराइड बनता है। फिलहाल ये PCl5 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज होता है, इसका अपना नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। तो इट्स नेम इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। और अगर आप इसका कंबशन करेंगे तो भैया SO3 बन जाएगी, कॉमन सेंस है, वो हम चाहे कल लिख लेंगे। जानबूझ के वैसे आज टाइम तो है आपके पास। अब बेटा इस चैप्टर को हम मतलब ग्रुप 16 को, बच्चों ग्रुप 16 को हम खत्म कर चुके हैं आपके लिए।